गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। आज ये व्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं अपने रूम से ही। तो फिलहाल अभी अभी मैं उठा हूँ नींद से। दिन के बजे हैं 10। सुबह हम सहरी खा के सो गए थे, थोड़ा सा आराम किया था हमने। अभी हम वापस उठे, दिन के 10 बजे है। अभी हमें आज कॉलेज भी जाना है, इसलिए मैं जल्दी उठा, वरना मैं लेट ही उठता हूँ तो व्लॉग बनाने का भी टाइम ही नहीं मिलता भाई। ताकि आज रमजान है भाई, आज बंदा ना मैं एडजस्ट ही नहीं कर पाता हूँ कि व्लॉग बनाऊँ, खाऊँ पीऊँ सो जाऊँ पढ़ूँ, ताकि एग्जाम्स भी चल रहे हैं। तो अभी मैं जाता हूँ कॉलेज, निकलता हूँ जल्दी फटाफट से, फ्रेश होते हैं और फिर निकलते हैं। तो फाइनली गाइस, मैंने नहा लिया है और मैं फ्रेश हो गया। तो फिलहाल करते हैं हम मुनीब को कॉल, देखते हैं मुनीब भी क्या बोलता है। मुनीब भाई बोल रहे थे कि हम कॉलेज नहीं, हम यूनिवर्सिटी जाएंगे। अभी हम देखते हैं कि मुनीब क्या बोलता है। भाई फोन की कंडीशन देख लो, मैं मुनीब को कॉल करता हूँ। अभी मुनीब को कॉल करते हैं, देखते हैं मुनीब क्या बोलता है। तो मुनीब भाई वेटिंग में है। हेलो भाई। हाँ जी बोलो भाई, क्या प्लान है? आप कॉलेज जाए यूनिवर्सिटी? यूनिवर्सिटी जाएंगे, जल्दी आ जाओ। काम है आपको वहाँ पे? हाँ वो काम है। चलो फिर जाते हैं, वेट करना मेरा, मैं कपड़े चेंज करता हूँ, आप वेट करना। जल्दी जल्दी से रेडी हो जा भाई, मैंने किए। ओके डन। तो भाई निकलते हैं जल्दी से फटाफट से घर से। मुनीब आ गया। मुनीब भाई चलो तेज। हम पहुंच गए जी सड़क पे। तो मुनीब भाई कुछ ऐसी लुक में है आज। मुनीब क्या लुक दिया है मुनीब भाई ने। तो अभी हम गाड़ी रोकते हैं, चलते हैं। जैसे कि आपको पता है, रोज की तरह हम आज ही पैदल चल रहे हैं। मुनीब भाई आपको हाथ देना है ना, गाड़ी आई थी पीछे, ये तो फूल थी। चलो फिर आप आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे हम। तो अभी मुनीब भाई गाड़ी रोक रहे हैं। मुनीब भाई गाड़ी रोको, शाबाश। लाख दो चीजों के बाद गाड़ी रुक गई है। चलो तो उकरना मत कर। यस तो फाइनली यहाँ पे हम श्रीनगर की गाड़ी का वेट कर रहे हैं। गाड़ी नहीं मिल रही है। मुनीब को ये खींच रहा है कि इस गाड़ी में चलो। मुनीब चलोगे? फाइनली अभी जी हम चढ़े हैं गाड़ी में। बहुत मुद्दतों के बाद गाड़ी मिली है श्रीनगर की। अभी हम बैठे हैं गाड़ी में, तो फिलहाल निकल रहे हैं यहाँ से श्रीनगर की ओर। आज मौसम बहुत सुहाना है भाई, खिली धूप है, थोड़े से बादल भी दिख रहे हैं। तो भाई टैंक कहाँ है? ये रही थी टैंक। सेम ही है, चाहे डल लेक हो या डल गेट हो, तो ताकि वहाँ से भी डल गेट से ही डल लेक स्टार्ट होता है। स्मार्ट सिटी भाई, अभी हम पहुंच गए हैं स्मार्ट सिटी। तो क्या है भाई? भाई भाई हमें किस बस में चढ़ना है? लाल वाली बस में? ये रही लाल जो जाना है पुलवामा? नहीं भाई, जाना है घर का। तो अभी हम यहाँ भी पैदल ही जा रहे हैं, जैसे कि हम घर पे पैदल चल रहे थे, तो यहाँ से भी। तो मुनीब भाई चल रहे हैं यहाँ से। तो फिलहाल हम दिखाते हैं आपको कुछ व्यू डल लेक की। वेलकम टू डल लेक। ये देखो शिकारा। तो मुनीब मैं हूँ, ये हमारी शिकारा है। तो मुनीब शिकारा की राइड करनी है आज। अपना यहाँ खास भाई शिकारा आ जाए। शिकारा डूब गई है इधर। ब्यूटीफुल व्यू है यहाँ की।
भाई जूम करो जूम जूम कर लिए। अभी हम पहुंचे हैं यूनिवर्सिटी, तो अभी हम अंदर जाएंगे। हमें जाना है भाई आईटी डिपार्टमेंट में जाना है। आईटी डिपार्टमेंट जाना है हाँ भाई, तो हमें जाना है आईटी डिपार्टमेंट में। अभी हम अंदर चलते हैं आईटी डिपार्टमेंट में, देखते हैं वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो हमको लेने हैं घर, तो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे फिर चलते हैं अंदर। फिलहाल हम गेट के बाहर है, देख सकते हो आप सर सैयद अहमद गेट के बाहर। सो वी आर इन गाइस, चलते हैं अंदर देखते हैं एंट्री। फिलहाल हमने एंट्री की है अंदर, तो अभी हम मालूम करेंगे कि भाई आईटी डिपार्टमेंट है क्या, हमको मालूम भी नहीं है। भाई अभी निकल चुके हैं जी हम वापस अपना काम करके, तो हमको लाना था ये डॉक्यूमेंट, ये हमने लिया है। ये कुछ ज़्यादा नहीं है, माइग्रेशन है, मतलब सब कुछ यही है, लेकिन उतना खास भी नहीं है हमें। भाई हम पहुँचे हैं दरगाह, तो मुनीब भाई चल रहे आगे के, मैं इसके पीछे पीछे जा रहा हूँ। मुनीब क्या सुंदर व्यू आ रही है भाई, है ना, सुंदर व्यू आ रही है यहाँ। मुनीब भाई ऐसा लगता है कि बिल्कुल जन्नत में आ गए हैं ना। कश्मीर को इसी नज़ारों की वजह से जन्नत है कश्मीर कहा जाता है भाई। मैं व्यू चेक कराता हूँ, गाइस कमेंट करना कि आपको व्यू कैसी लगी भाई। बहुत अच्छी, ये कुछ ऐसी लोकेशन पे है, वाओ क्या बढ़िया व्यू आ रही है भाई। यही है वो नज़ारे जिनकी वजह से कश्मीर को जन्नत है कश्मीर कहा जाता है भाई। मुनीब शिकारा राइड करें हम? हाँ शिकारा राइड करते हैं। अभी हम थक गए हैं, थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं भाई। प्यास लगी है मुझे बहुत। ओह नहीं पा रही भाई, शिकारा निकली है चार चिनार के लिए, तो ये जाएगी यहाँ जी भाई चार चिनार। ये दिख रहा है चार चिनार, यहाँ से शिकारा निकला है, इसको जाना है चार चिनार। चेक करो व्यू दरगाह की, अवरल भाई चल रहे आगे आगे। ये देखो गाइस, ये रहा हमारा अवरर भाई। भाई व्यू चेक करो भाई, भाई करा ही मैंने चेक ये व्यू। ओ भाई शेर आ रही है वहां से, व्यू ही अच्छा है। हां धूप है ना? यस धूप लगी। तो मेरे को ना भूख लग रही है, प्यास लग रही है। मेरे को थोड़ा प्यास लग रही थी सुबह सुबह, अभी नहीं लग रही है। धूप है ना ऊपर, इसलिए मुझे भूख लगी भाई, बहुत प्यास भी लगी। ओ भाई हम निकलते हैं भाई। तो मुनीब भाई को यहाँ मजा आया बैठने में, मुनीब भाई सुकून मिला यहाँ पे, यहाँ नमाज भी अदा करी अंदर। तो यहाँ पे कुछ लड़ी नमाज पढ़ रही थी, फिर हमने वीडियो ही बंद किया ना मुनीब, तो इसलिए हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। अभी हम निकलते हैं घर की ओर ही। भाई मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है सच में, आकाश की तरह मुझे मत सताओ सच गले में उसकी। तो मुनीब भाई बोल रहे मेरे को प्यास लगी है भाई, यहाँ से क्या व्यू आ रही है। मुनीब यहाँ से ही निकलते हैं, यहाँ से ही। मुनीब अच्छे से रखो ना भाई ये, और चच रहे हो आप कसम से, उठाओ ये एक अपने लिए। मुनीब भाई भाई बहुत थक गए हम कसम से, मैं तो बहुत थक गया। मुनीब भाई 10 किलोमीटर चल गए हैं, हम पैदल भी बहुत चले हैं ना। तो अभी हम थे दरगाह में, तो वापस गाड़ी पे चलते हैं, निकलते हैं वापस घर। तो आई होप कि आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो, चैनल पे अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना। आज के व्लॉग हम यहाँ पे एंड करते हैं, आपको कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।